लगते हैं दूसरे के दोनों? हस्बैंड है ये मेरे। अच्छा, माय वाइफ। तो आपने आपने इनको मुबारकबाद दी आज जीत पे, इंडिया जीते? क्या मैं आपको बताए ना कि जो लेडीज होती है उनका दिल थोड़ा छोटा होता है। टीवी तोड़ के दिखाने लगे। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं नीचे कैमरामैन दिखा सके, ये एलसीडी के क्या हालात हो गए हैं ये देखिए। बारिश की दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जान छूट जाए। ऐसा नहीं, जान ऐसी जान नहीं छूटती हमारी। बहुत ज्यादा डिसार्ट किया और शर्मिंदा किया है। जो हमारी ख्वाहिशात थी, हमारी उम्मीदें थी, उनको पर उन्होंने ऐसा पानी फेरा है कि दिल तो कर रहा है कि इनको लिटा के हम छितर फेरे। यार मेरी बात सुने, क्या ये टीम होती है, क्या ये मैच होता है? यानी कि आज पाकिस्तान 11 है, ना फील्डिंग, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, किस एंगल में ये नंबर वन टीम लग रही थी? पाकिस्तान की फील्डिंग ने 356 का टारगेट इंडिया से लेना। मैं कहता हूँ ये वो कहते ना, आप बैल मुझे बाहर मेरे गले में डाल दे, वही हिसाब था ये। इन्होंने खुद को खुद मरवाया आज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मौका मौका करते रहे। विराट कोहली और केएल राहुल ने चौका छक्का मारकर भारत को मैच जिता दिया। पाकिस्तानी बड़े सैड हैं, बड़े रो रहे हैं, टीवियां वगैरह फोड़ रहे हैं। तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी मजेदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। क्या लगते हैं दूसरे के दोनों? हस्बैंड है ये मेरे। अच्छा, माय वाइफ। तो आपने आपने इनको मुबारकबाद दी आज जीत पे, इंडिया जीते? क्या मैं आपको बताया ना कि जो लेडीज होती हैं उनका दिल थोड़ा छोटा होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान आज क्यों हारा है? पाकिस्तान अपनी बुरी बैटिंग की वजह से। आपको कितना दुख हुआ है? बहुत दुख हुआ है। लेकिन आपके मियां की टीम जीती है, आपको तो नहीं। तो आप वाकई सीरियसली अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे थे? 100%। दिल दिल हिंदुस्तान जा। अच्छा आप मुझे बताएं, मैच से पहले आप दोनों का क्या था, अपनी अपनी टीम जीतने का दावा था? प्रेडिक्शन कर दी थी, बिकॉज रोहित शर्मा इज द कैप्टन, सो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, बिकॉज आई एम अ क्रिकेट प्लेयर मायसेल्फ, कि इंडिया ही मैच जीतेगी। और आपको मायूसी हुई है हार पे? तो अब 4 तारीख को दोबारा मैच है, तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान दोबारा जीते? आपको क्या लगता है 4 तारीख? 100% पाकिस्तान फिर से हारेगा इंशाल्लाह। ओह तोड़ने लगे आप, क्यों तोड़ने लगे? ये यार बहुत गलत हुआ है, मैच हारने के काम से। बिल्कुल। अच्छा ये तोड़ देंगे, ये तोड़ेंगे तो मजाक बन जाएगा हमारा। तो मजाक तो पहले ही बन चुका है। अच्छा तो तोड़ते फिर आप क्या देंगे? पकड़े टीवी तोड़ दिया सारा। गाइस अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो टीवी तोड़ दिया। कितना गम लगा हुआ भाई, समझ हमारी अगली दुश्मन है हिंदू, हिंदुओं से तो नहीं हारना चाहिए ना। तो हिंदुस्तान से मैच को मैच की तरह नहीं देखना चाहिए हिंदुस्तान, और ये तो अलग बात है ना, ये तो जंग है। अच्छा ऐसे ही जैसे 65 में था या 71 में था या वो कारगिल हुआ है, ऐसे ऐसे ही है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एलसीडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए नीचे, जरा दिखा दें आप। ओए होए होए होए, तो इतना ज्यादा दुख लगा था। आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा ये एलसीडी तोड़ दी है, सही है दुख में? सही है। आप क्या कहेंगे, सही है एलसीडी तोड़ना? ये बिल्कुल सही है, मतलब क्रिकेट इज इमोशन। अच्छा इमोशंस के लिए गाइस पाकिस्तानी अवाम कुछ भी कर सकती है, यहाँ पर अपनी एलसीडियां तोड़ दी हैं। अंकल क्या कहेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में, तो हम कहते थे कि ये मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, हमारे तो जज्बे बुलंद है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कोई इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, क्या कहेंगे? ये पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया, इतना प्यारा है, करते करते ना सारा खेल जो है ना सारा बर्बाद कर दिया हमारे। तो वो जो तासर था ना कि हम हिंदुस्तान को हराएंगे, वो सब उल्ट हो गया। मतलब किसी भी मैदान में उनको जीतने नहीं देना हमने, कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन वो जीतते जा रहे हैं ना अपनी मेहनत से, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत तो हम भी करते हैं, मगर पता नहीं क्या हुआ इनको। क्या कहना चाहेंगे अंकल की बात से, एग्री करते हैं आप? सीढ़ी तोड़ दी यार, मैं तो मुझे तो दुख लगता है सीढ़ी का। जी जी, तो मेरा भी बहुत सारे मतलब दिल की तरह एलसीडी भी तोड़ दी, दिल भी ऐसे टूटे। सही हो गया यार, आपको नहीं लगता कि मैच को मैच की तरह ही देखना चाहिए, उसको जंग बनाकर मतलब के तासुर इस तरह का देना सही है? फारूक शाह क्या हुआ, इल्जाम लगा? यार मेरी बात सुने, क्या ये टीम होती है, क्या ये मैच होता है? यानी कि आज पाकिस्तान 11 है, ना फील्डिंग, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, किस एंगल में
ये नंबर वन टीम लग रही थी। बताएं ना, विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन का 50 से नीचे कैच छोड़ देते हो, एक ही नहीं दो दो मंतबा कैच छोड़ देते हो, तीन कैच छोड़े इन्होंने, उनकी जब 50 भी नहीं हुई थी, तो फील्डिंग इतनी निकम्मी, बॉलिंग में कोई बंदा बैट्समैन में मतलब इस तरह लग रहा था जैसे तू चल और मैं आया का गेम लगी हुई थी। नंबर वन मुझे ना कोई बैट्समैन लग रहा था, ना कोई मुझे टीम नज़र आ रही थी। तीनों शाने उन्होंने हमें चित किया, बैलिंग, बॉटिंग, बैटिंग और फील्डिंग के अंदर। किस एक चीज को ज्यादा इल्जाम ठहराएंगे? सर मैं तो बाबर की कप्तानी से भी इस टाइम नाराज हूँ कि बाबर की कप्तानी आज भी उनकी बारिश के बाद वो बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आ रही थी, जिस बॉडी लैंग्वेज से वो कल मैदान में उतरे थे आज नहीं। और बाबर की टीम ने अगर यही परफॉर्मेंस करनी थी तो फिर इन्होंने टॉस जीत कर उनको बैटिंग क्यों दी? अगर यही सब कुछ होना था, मुझे तो इस लॉजिक ही समझ नहीं आई, इस लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आई कि टॉस जीत कर उनको बैटिंग देने का कि लॉजिक क्या थी इसके पीछे, जब इसको पता था कि मैच दो दिन तक होना है। दो दिन का मैच है, एक दिन की बात नहीं है, दो दिनों के मैच के अंदर क्या जरूरत थी? तुम आराम से खेलते, चार पांच ओवर आराम से खेलते, उसके बाद फ्लैट विकेट होनी थी। फखर जमान मुसलसल नाकाम आ रहा है। मैं कहता हूँ आज हमला आज तो सारी टीम ही नाकाम होगी ना। फखर जमान तो मुझे फखर जितनी गेंदें फखर ने खेली है मुझे लगता था कि आज 50 का तो एकड़ा जो एकड़ा है ना वो करेगा, 50 को तो करेगा, अब वो भी नहीं कर सका। और टेस्ट मैच के हिसाब से यानी कि यार शेम वो हरकत है कि 104 के बाद सबसे लोएस्ट स्कोर आई थिंक हमारा है इस एशिया कप के अंदर इस दफ़ा, कि 121-22 पे हमारी पूरी टीम आउट हो जाती है और फिर हम बाहर पिछले तीन दिन से बढ़ के मार रहे हैं, नंबर वन टीम, नंबर वन कैप्टन, फलाना नंबर वन, फलाना नंबर वन, कोई सीन नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। 28 पर ऑल टीम आउट हो गई है, इंडिया की कामयाबी, पाकिस्तान की शिकस्त, क्या कहेंगे? एशिया कप का बहुत बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था और आज पाकिस्तान को इंडिया ने बुरी तरह धूल चटा दी। मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है अभी इस टाइम खड़े होकर यहाँ पर, मुझे मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूर होकर मैं ये बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी हाइप, इतनी बड़ी बॉलिंग और इतने बड़े बड़े बैट नाम, ओडीआई में नंबर 5 नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, क्या किया इन्होंने आज? जलील करके रखवा दिया इंडिया के आगे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी इन्होंने, इतना बड़ा किया, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा था कि यार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बॉलिंग फ्लॉप, बैटिंग फ्लॉप, फील्डिंग फ्लॉप, क्या करने गए थे ये? मुझे तो लगता है ये एशिया कप खेलने नहीं गए थे, खिलाने गए थे। ये नेपाल की टीम से भी बुरा खेला आज इन्होंने, जलील करके रखवा दिया पूरी पाकिस्तानी टीम। विराट कोहली और केएल राहुल ने आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धो कर रख दिया जी। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने किया क्या आज, बॉलिंग ने क्या किया है? विराट कोहली को ये पीछे तो बड़ी बड़के मार रहे थे ना कि जी विराट कोहली पहली दूसरी बॉल पे आउट, लो जी मान ले दिया हमने इज्जत की, हमने कहा वाकई यार शहीन में कुछ है, बात है। आज शहीन कहाँ था हमारा? आज विराट कोहली ने 100+ मारा पाकिस्तान को उसी विकेट पे, जहाँ पर उसी स्टेडियम के अंदर जहाँ पर ये कहते थे कि हम लोग इनको 3-4 स्कोर में आउट कर देंगे। ये क्या बैटिंग की है, सॉरी ये क्या उन्होंने बॉलिंग की है? विराट कोहली ने बैटिंग की है, मज़ा आया है, उसके छक्के मारे, चौके मारे, उसके छक्के चौके का मजा आया। 122 स्कोर किया विराट कोहली ने, उसने बताया कि भाई जान मैं बैट्समैन हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे लोग ऐसे नहीं लेते। लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे विराट कोहली को, बिल्कुल ऐसे ही है, विराट कोहली को मजाक बना लिया था सबने, सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा था जी विराट कोहली खत्म, विराट कोहली ये, विराट कोहली अब नहीं जाएगा, विराट कोहली अब एशिया कप से फाड़ेगा, वर्ल्ड कप से भी फाड़ेगा। जय जी आज उसने स्कोर करके बता दिया, 122 मारा है, शहीन को उसने स्कोर मारा है, हमारे अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं जो उनको स्कोर मारा है, नसीम को स्कोर मारा है, कहाँ पर आप पाकिस्तानी बॉलिंग? कुछ भी नहीं है बस ये। हमने तो बड़े बाबर और नसीम शाह के नारेबाजियाँ की थी कि ये दोनों इंडियन क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ा देंगे और वो जाते जाते भी छक्के मार के गए हैं। सर दावे किए गए थे, दावे कहाँ पर है आप सारे, कहाँ पर है आप पाकिस्तानी टीम, आप कहाँ पर है मुझे ये बताएं। दावे इतने तो बड़े बड़े किए गए थे, हम ये कर देंगे, विराट कोहली तो बच्चा हमारे सामने, जो उनका केएल राहुल है वो फर्स्ट मैच था पाकिस्तान के साथ, वो पूरे सीजन में आउट था, ठीक है, फर्स्ट मैच था उसने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की है और बड़ा अच्छा स्कोर किया है, उसने बताया कि भाई मैं खेल सकता हूँ। आप लोग ने मुझे मजाक लिया होता, कहते थे कि के एल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा नहीं, आज चल गया ना के एल राहुल, कहाँ पर अब ये पाकिस्तानी बॉलिंग? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आपको क्या लगता है आज के मैच में मेजर गलतियाँ क्या थी जिसने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह धूल चटाई? मैम देखें सबसे बड़ी गलती थी हमारी बॉलिंग, इतनी अच्छी बॉलिंग थी, इतने अच्छे बॉलर से नंबर वन बॉलर दुनिया के माने जाते हैं, इनकी बॉलिंग के आगे कोई टिक नहीं पाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी। दूसरी बड़ी गलती थी फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग ने 356 का टारगेट इंडिया से लेना, मैं कहता हूँ ये वो कहते ना आ बैल मुझे बाहर मेरे गले में डाल दे, वही हिसाब था ये, इन्होंने खुद को खुद मरवाया आज ये, वरना इतने इंडिया स्कोर नहीं कर सकता था, लेकिन बॉलिंग पुअर बॉलिंग की बॉलिंग होने की वजह से और पुअर
फील्डिंग होने की वजह से ये बात कही है, सारा बर्डन पड़ गया बैट्समैन के ऊपर। पाकिस्तानी बैट्समैन का सबको पता था यार इतनी अच्छी बैटिंग नहीं है, बॉलिंग ही है, बॉलिंग के सर पर हम लोग खेलते हैं, लेकिन क्या इन्होंने किया कुछ भी नहीं। फील्डिंग में क्या किया इन्होंने, कितने कैच छोड़े? बिल्कुल कैच पे कैच छोड़ते गए हैं, सीधे सीधे कैच हाथ में आते गए हैं, छोड़ दिए हैं। नसीम शाह ने भी छोड़ा है, शहीन ने छोड़े हैं कैच, इतने अच्छे नॉर्मल कैच छोड़े हैं, किसी काम की मैं कहता हूँ ना फील्डिंग थी ना बॉलिंग थी। और जो हमारे बैट्समैन है इतने इतने बड़े बड़े नाम है जी, 128 भी ऑल आउट हो गई है, इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? T20 खेलने गए थे ये। कामरान आपको पता है आज पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, पाकिस्तान को बारिश बचा ले, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही है, बारिश की दुआएं की है, हमने भी की, अल्लाह पाक बारिश करते, चल यार मौका मिल जाएगा, एक एक बराबर हो जाएगा, जो हमारी बेइज्जती होनी थी ना इंडिया की हाथों वो नहीं होगी, लेकिन आज होगी है, बिस्त करवा दिया इन्होंने आज। आज ये खेलने नहीं आए थे, आज ये मुझे लगता है गुल्ली डंडा खेलने आए थे, पंजाबी में कहते हैं ना गुल्ली डंडा खेलते हैं, बस ठीक है खेल लो, वो हिसाब इन्होंने किया है, कोई स्कोर नहीं है, 128 पे ऑल आउट होने का क्या मतलब है जलालत इंडिया से? चलो यार कुछ नहीं, 250 कर लेते, 300 कर लेते, 200 से बाहर कर लेते, 128 बस, ये कोई स्कोर है? बेकार स्कोर है, जलील करके रख दिया, बस बात करने को दिल ही नहीं कर रहा, गुस्सा चढ़ा था, दिल करता था जाके टीवी बंद करूँ और जाके सो जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही पैगाम है सर, अपनी बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर काम करें, आप बड़ा अच्छा खेलने वाले हैं, हम ये नहीं कहते आप बुरे हैं, आपका यानी कि आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपने आज जान के अपनी फील्डिंग बॉलिंग और बैटिंग तीनों को फ्लॉप करवाया, एक तो चीज़ चलाते यार, एक भी चीज़ नहीं चलाई, बस पैगाम यही भाई है, जाके ट्रेनिंग करें, जाके इंडिया के खिलाफ आप खेलने गए थे, आप नेपाल या बांग्लादेश के खिलाफ खेलने नहीं गए थे, मुझे लगता है नेपाल और बांग्लादेश भी आपसे आज अच्छा परफॉर्म कर जाते इंडिया के खिलाफ, आपने लास्ट मैच में देखा भी होगा नेपाल ने इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस दी थी, 200 से बहुत स्कोर किया था नेपाल ने, तो ये क्या करके गए, कुछ भी नहीं करके गया, बस जलील करने आए तो जलील करके चले गए। अब इंडिया वाले हम पे हंसेंगे, वो हंस भी रहे हैं इंडिया वाले हम पे, वो कह रहे हैं यार देखो आप तो कहते थे बड़ी बड़ी बॉलिंग लाइन है, बहुत अच्छे बॉलर थे, बड़े बड़े नाम है, आज कहाँ पड़े, कुछ भी नहीं है, जलालत ही और कुछ नहीं। पाकिस्तान हमेशा जो कंपेयर मैन करते हैं वो क्रिकेट में ज़्यादा करते हैं, क्रिकेट उनके लिए महामुकाबला हो जाता है, एक जंग हो जाती है, भारत से जीतना ही जीतना है, इंडिया को हराना ही हराना है, पाकिस्तान नंबर वन टीम है, पाकिस्तान ऐसे जीतेगी, ऐसे कर रहे खिलाड़ी हैं, ऐसे बॉलर हैं, जो भारत के जितने भी प्लेयर हैं विराट कोहली रोहित शर्मा वो टिक ही नहीं पाएंगे, जो पाकिस्तान की बड़ बॉल हैं वो सभी धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में दोस्तों फिर एक बार टीवियां फोड़ने के लिए मिली, देखने के लिए कि टीवियां किस तरीके से लोगों ने फोड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा बहुत ऊपर था, पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि दोस्तों जो कैचेस वगैरह हैं वो ज़्यादा छोड़े गए हैं, जो रन्स हैं वो ज़्यादा बनाने दिए गए हैं, मिस फील्डिंग ज़्यादा हुई है, इसी कारण पाकिस्तान हारा है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन लिखना ना भूलें।